बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला डेबिट कार्ड लेने से पहले आपको इस डेबिट कार्ड के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया जनधन योजना वाला डेबिट कार्ड है या फिर आप नया डेबिट कार्ड लेने वाले हैं तो आज का ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनधन योजना डेबिट कार्ड की डेली लिमिट, न्यू चार्जेस, बेनिफिट्स और कौन कौन ये डेबिट कार्ड ले सकता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें, वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। हेलो गाइस, मैं हूं राहुल वर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सीजी बॉय में। सीधी बात, नो बकवास, तो चलिए कुछ नया जाने। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया जनधन डेबिट कार्ड को कौन कौन ले सकता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जिसके पास BSBD बेसिक सेविंग अकाउंट है, सिर्फ वही लोग इस डेबिट कार्ड को ले सकते हैं। अदर लोग दोस्तों इस जनधन रुपए डेबिट कार्ड को नहीं ले सकते। चलिए दोस्तों, अब हम इस डेबिट कार्ड की चार्जेस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले डेबिट कार्ड का इश्यू चार्जेस नील है, यानी जीरो है। दोस्तों, यहाँ पर इस डेबिट कार्ड का इश्यू चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों ही नील है, मतलब ये डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिल जाता है। इसका कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं देने होंगे। दोस्तों, अदर बैंक के ATM कार्ड का आपको हर साल एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि यहाँ पर आपको इस डेबिट कार्ड में कोई भी चार्जेस नहीं देना है। चलिए दोस्तों, अब इस डेबिट कार्ड की डेली लिमिट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया जनधन रुपये डेबिट कार्ड का डेली ATM विड्रॉल लिमिट 15,000 रुपये है, यानी आप एक दिन में ATM से केवल 15,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। और दोस्तों, कई बार तो एक बारी में 15,000 रुपये नहीं निकलता, तो यहाँ पर आपको 5,000-10,000 रुपये करके एक दो बार करके आपको निकालना होगा, तभी आप एक दिन में 15,000 रुपये निकाल पाएंगे। और इस डेबिट कार्ड का डेली ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल ई कॉमर्स लिमिट 25,000 रुपये है, यानी आप डेली 25,000 रुपये तक का ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इस जनधन योजना वाले डेबिट कार्ड को केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाया गया है, मतलब आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, किसी भी फॉरेन कंट्री में आप पैसे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। केवल दोस्तों आप इस डेबिट कार्ड को इंडिया के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इस डेबिट कार्ड की बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। इस डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों इसका NFC फीचर है। जो आपके डेबिट कार्ड में वाईफाई का सिंबल रहता है वो इसका NFC है, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसके जरिए दोस्तों आप डेली बिना पिन के 5,000 रुपये तक का कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप गए हैं शॉपिंग करने और वहाँ पर दोस्तों आप बिना पिन डाले टैप करके 5,000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस जनधन रुपये डेबिट कार्ड में NPCI की तरफ से 2,00,000 रुपये का परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, अगर आप अपने डेबिट कार्ड को 90 दिन तक यूज नहीं करते, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते, जैसे पैसे विड्रॉल नहीं करते, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2,00,000 रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि सर, इस डेबिट कार्ड के थ्रू हम फोनपे, गूगल पे, UPI वाले ऐप को चला पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप बिल्कुल इस डेबिट कार्ड के थ्रू फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और UPI वाले ऐप को आप बिल्कुल चला पाएंगे। आप रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल या फिर ई कॉमर्स पर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इस डेबिट कार्ड में आपको स्टार रिवार्ड पॉइंट भी मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इस डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट तो इस डेबिट कार्ड का चार्जेस है, जो कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता, बिल्कुल आपको ये डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड को दोस्तों आप लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मान सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले बेसिक सेविंग अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब दोस्तों आप इस अकाउंट में अपना खाते को जीरो बैलेंस में रख सकते हैं। कोई भी पैसा यहाँ पर आपको मेंटेनेंस करके रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। यहाँ पर इस डेबिट कार्ड में लिमिट आपको बहुत कम मिल जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप कम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये डेबिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसमें इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट करके रख ले, ताकि आपको बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।